नमस्कार, JNI न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। प्रतापगढ़ पहुंची सपा की जन संदेश यात्रा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के नेतृत्व में निकली जन संदेश यात्रा। प्लाजा पैलेस में आयोजित स्वागत समारोह एवं जनसंवाद कार्यक्रम में इंद्रजीत सरोज ने कहा कि पीलीभीत से यात्रा शुरुआत हुई और आज प्रतापगढ़ पहुंची। उन्होंने भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताया, बसपा को भी आड़े हाथ लिया। कहा कि सपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों का सम्मान सुरक्षित है। उन्होंने कहा, इस समय प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के शासन काल को याद कर रही है। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से अब्दुल लतीफ के साथ उदय राज यादव। प्रदेश कार्यालय पर कराते हैं और हमारे नेतृत्व में आदरणीय अखिलेश जी, उन्होंने जनादेश यात्रा प्रारंभ कराने का फैसला लिया। ये पीलीभीत से शाहजहांपुर होते हुए विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए तो जनादेश यात्रा आज प्रतापगढ़ पहुंची। आज जिस कदर प्रतापगढ़ बॉर्डर से जगह जगह लगभग 500 जगह हमारा स्वागत हुआ, जन सैलाब उमड़ा और सारे धर्म जाति मजहब के लोग उस यात्रा में शामिल हुए। अब ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से अब सारे धर्म जाति मजहब के लोग जुड़ चुके हैं। अब वो विकास वाली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना चाहिए। मंत्री जी, 2022 का चुनाव आप सपा किन किन मुद्दों पर लड़ेगी? देखिए, सपा का सबसे बड़ा मुद्दा विकास समस्या, क्योंकि हमारा जो है विकास सब दिख रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेडियम हो, चाहे वो साने अवध हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे जो है तीर्थ स्थलों का विकास हो, चाहे जिलों को फोर लेन जोड़ने की योजना हो, कन्या विद्याधन हो, लैपटॉप हो, बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे जो है आपका ये लोहिया आवास हो, ये तमाम योजनाएं जो समाजवादी पार्टी सरकार में चली थी और जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क उन्होंने बनाया, बल्कि जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना भी चलाने का काम किया, तो विकास के नाम पर, आगेदारी हिस्सेदारी के नाम पर और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर हमारी पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी और सरकार बनने पर सबको सम्मान और भागीदारी देगी। आज लखनऊ में डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे, ये चुनावी आंदोलन है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, किसान तो मुझे लगता है 10 महीने के ऊपर हो गए, इनका आंदोलन चल रहा है, तो तब तो चुनाव था नहीं। जो है मोदी जी हट कर बैठे हैं, अपने पूंजीपति साथियों को वचन दे चुके हैं कि हम कृषि कानून को रद्द कर दिए हैं, अब इसको पुनः वापस नहीं लाएंगे। और हमारे किसान लोग भी हट कर लिए हैं, वो NCR के चारों तरफ बैठे हैं, जिसमें 500 किसानों की मृत्यु अब तक हो चुकी, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हो चुके, उनके रास्तों पर कील भी जो है गड़वाने के काम ये सरकार कर चुकी, लेकिन किसान कस से मस नहीं हो रहा है और वो तय कर चुका है कि पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, फिर देश से मोदी जी को हटा के दम लेने का काम करेंगे। 2022 में सपा किसके साथ गठबंधन करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये खुला ऐलान है कि हम छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं और हमारा छोटे दलों से ही गठबंधन होगा। लोक दल महान दल से गठबंधन हो चुका है और जो विभिन्न छोटे दल हैं, जो भी समाजवादी पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाह रहे हैं, तो वो उनका स्वागत कर रहे हैं। आए सब लोग, अपनी हिस्सेदारी भागीदारी ले और हिस्सेदारी भागीदारी लेकर गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बने। देखा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहे हैं कि हम लगभग 400 सीटों पर जीतेंगे छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोच समझ के कहा है। हम भी यहाँ पर 7 की 7 सीटें जीतने के लिए ऐलान कर चुके हैं, तभी तो 400 सीटें पहुँचेगी यहाँ।